आज की रेसिपी है मुंबई मसाला सैंडविच। तो मुंबई नहीं जाएंगे, सिंपल इंग्रेडिएंट से घर में ही बनाएंगे और गारंटी से अगर एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज आपको और भी मिल पाएं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 ब्रेड स्लाइसेस और सबसे पहले मैं इसके साइड्स काट लूँगी। अब इन दोनों स्लाइसेस पे मैं लगाऊंगी मज़ेदार सी चटनी। तो ये चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये चटनी हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे इनके ऊपर। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये प्याज जो मैंने पतले पतले गोल गोल काट के रखे हैं और इसे फ्लेवरफुल बनाऊंगी थोड़े से चाट मसाले के साथ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये तीखा अच्छा लगता है तो मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो स्किप कर सकते हो। अब जाएंगे इसके ऊपर ये उबले हुए आलू जिसे मैंने उबाल के ऐसे गोल गोल काट लिया था, थोड़ा सा और चटपटा तो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हरी चटनी। तो आलू थोड़े से फीके फीके लगता है तो इसके साथ ये जब चटनी का बाइट आता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर ये भी गोल गोल काट के रख लिए थे, थोड़े से मैं डालूंगी इसके ऊपर ये सेव, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और अब ये स्लाइस ऑफ ब्रेड मैं लगा दूंगी इसके ऊपर, परफेक्ट। अब जाएगा ये सीधा पैन पे। अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। और ये ब्रेड जाएगा इसके ऊपर। थोड़ा सा बटर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। जब तक ये नीचे वाली साइड से सेकेगा तब तक मैं लगाती हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी और हरी चटनी। और थोड़े से और सेव। यूजुअल से बहुत हटके है ये वाला सैंडविच, सुपर टेस्टी। दोनों तरफ से बहुत बढ़िया से सिक गया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। है ना कितना इजी और कितना टेम्पटिंग। यही मेरा मिशन है कि ऐसी सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।